हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, हमें डॉक्टर राममोहन यादव विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी के लिए अपडेट्स आई है। हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अपडेट आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से इंतजार था कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कब किया जाएगा विश्वविद्यालय की ओर से, तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप लोगों के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक है, जो कि एक्टिवेट कर दिया गया है विश्वविद्यालय की ओर से। कैसे आप लोगों को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अपडेट आने से पहले फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि अगर विश्वविद्यालय की ओर से या विश्वविद्यालय के आप रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट्स आए, सभी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होते रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी पूरी अपडेट्स आप सभी को हमें दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा, नीचे स्क्रॉल करके आएगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को दिखेगा स्टूडेंट्स कॉर्नर। स्टूडेंट्स कॉर्नर के अंदर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में आप सभी को दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को देना है कैंडिडेट फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप कैंडिडेट फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड है जो कि ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है, जो कि फ्रेंड्स मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, वहाँ से जा करके आप अपने एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड का पेज है जो कि ओपन हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म नंबर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। इस तरह से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अपडेट्स अच्छी लगी, अपडेट्स अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स रहे, सभी अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।